हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म की प्रिज्म से लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और मेरे साथ साथ बनाएंगे और बना के इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना लेंगे, इसका नाम रखेंगे ए। ए मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। यहाँ पे आप लिख दो एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके बाद इस जगह पे आप नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री आप ड्रॉ कर ले हुए, इसको डॉटेड लाइन से कर सकते हो। ओके, इसका नाम रख देंगे N और N डैश। मेरे साथ साथ आप बनाते रहो। ये आपका पॉइंट है O। अब यहाँ से कोई लाइट का सोर्स है A, और यहाँ से लाइट आ रही है। स्केल से आप ड्रॉ करना ये लाइट AO। AO आपका होगा इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। N N डैश क्या है आपका? यह है आपका नॉर्मल। ओके, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बनाता है। अब ये लाइट सीधे आपको लगता है सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है, स्केल से आपको ड्रॉ करना है, लेकिन ये सीधी ना जाकर नॉर्मल की तरह बैंड हो जाएगी। इस तरीके से ऐसे बैंड हो जाएगी अंदर। ये एयर है और ये क्या है? ग्लास। ग्लास मीन्स कांच है। तब एयर से जब ग्लास में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ अंदर साइड में इधर इस साइड में ये बैंड हो जाएगी। इस जगह पे एक और नॉर्मल ड्रॉ करो। आपको स्केल्स और पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है। ये M और M डैश है नॉर्मल। अब आपको लगता है फिर से सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी ना जाके ये इससे दूर हट जाएगी। ये आपका B पॉइंट हो गया और ये आपका C पॉइंट हो गया। ओके, तो AO आपका इंसिडेंट रे है। OB आपका होगा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, जो रे अंदर एंटर कर गई है उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकल गई है BC इसको बोलेंगे इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, इतना आपने काम कर लिया तो समझ लो 70-80% आपका काम कंप्लीट हो चुका है। सो AO आपका इंसिडेंट रे है, OB रिफ्रैक्टेड रे है, और जो बाहर निकल गया वो इमरजेंट रे है। ओके, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेम नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस। ओके, अब इंसिडेंट रे हमारी ये थी और इमरजेंट रे ये है, तो इस रे, ये जो रे है हमारी, ये इंसिडेंट रे, ओके, और ये इमरजेंट रे, इनके बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल, इसको हम बोलते हैं डी। इंसिडेंट रे हमारी ये है, इमरजेंट रे हमारी ये थी, इनके बीच का एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, और रे डायग्राम में इसको आप अच्छे से लिखो और प्रैक्टिस करो। फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने प्रिज्म ड्रॉ किया, फिर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, फिर रे ऑफ लाइट आई जो सीधे ना जाके बेंड हो गई, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और फिर ये इधर को और बेंड हो गई, इसे बोले हैं इमरजेंट रे। तो आप इनको अच्छे से बना के स्टेप बाय स्टेप रिपीट करके प्रैक्टिस कर सकते हो।